पटना में विशेष निगरानी की बड़ी कार्रवाई हुई है। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पटना के साथ साथ अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई है। अनिल कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। विशेष निगरानी की यह कार्रवाई हुई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार विशेष निगरानी को कई कागजात मिले हैं जो संपत्ति से संबंधित हैं। कई विनिवेश के कागजात मिले हैं और कई अकाउंट के बारे में पता चला है। छापेमारी जारी है। छापेमारी का जायजा लिया मरगूब आलम ने। विशेष निगरानी की एक बड़ी कार्रवाई पटना के पुनाइचक में अनिल कुमार यादव जो अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके आवास और ऑफिस पर चल रही है। यह नज़ारा पटना के राम गोविंद इनक्लेव का है। आप देख सकते हैं स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम यहाँ आई है और लगातार यहाँ कह सकते हैं कि छापेमारी चल रही है। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला 98 लाख से अधिक रुपये का मामला दर्ज किया गया था और शिकायत जो मिलती उस शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई, जांच की गई, स्पेशल विजिलेंस यूनिट से सर्च वारंट लिया गया। उसके बाद इनके आवास इनके ऑफिस में छापेमारी चल रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट का यह कहना है कि इस पूरे मामले में जो शिकायत मिली थी उस शिकायत के आधार पर इन्होंने भ्रष्ट तरीके से कई संपत्ति बनाई है और उसी संपत्ति के आधार पर यह FIR दर्ज हुआ और न्यायालय से परमिशन मिलने के बाद इनके राम गोविंद इनक्लेव स्थित आवास पर छापेमारी ऑफिस में छापेमारी चल रही है। फिलहाल अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि विशेष निगरानी की टीम को कई कागजात मिले हैं, संपत्ति से संबंधित, विनिवेश से संबंधित कागजात मिले हैं, साथ ही साथ कई अकाउंट मिले हैं जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। मरगूब हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं। मरगूब, अनिल कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, अब तक क्या कागजात और संपत्ति के बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी मैं विशेष निगरानी की टीम को शिकायत के आधार पर लगभग 1 करोड़ के आसपास आज इस संपत्ति का इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आज सुबह से इनके ऑफिस और इनके राम गोविंद इनक्लेव पुनाइचक में इनके घर पर छापेमारी चल रही है और अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कई संपत्ति के कागजात, कई विनिवेश के कागजात, कई प्रॉपर्टी के कागजात, साथ साथ कह सकते हैं कि कई इन्वेस्टमेंट के कागजात निगरानी विशेष न्यायालय को मिले हैं। इनके ऑफिस से कई कागजात ऐसे मिले हैं जिन कागजात के द्वारा ये पता चल रहा है कि इन्होंने इसी भ्रष्ट तरीके से संपत्ति बनाई है और उन कागजात को अभी विशेष न्यायालय के तहखाना लगी है। वहां से कुछ फाइल और कागजात अभी बरामद किए गए हैं, जब्त किया गया है और अभी विशेष न्यायालय की टीम अभी ऑफिस में उनसे लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ अगर घर की बात करेंगे तो कई अकाउंट नंबर के साथ साथ लॉकर का पता चला है जिसके बारे में विशेष न्यायालय की टीम अभी जानकारी बैंक से ले रही है और उसके बाद कुछ, लेकिन अभी तक 1 घंटे से 1.5 घंटे की छापेमारी में कई संपत्ति कागजात मिल चुके हैं, विनिवेश के कागजात मिले हैं, कई इन्वेस्टमेंट LIC में है, कई इन्वेस्टमेंट अन्य नॉन बैंकिंग कंपनी में है और इसके साथ साथ कई भूखंड के भी कागजात मिले हैं। तो विशेष निगरानी को जो शिकायत मिली थी वो शिकायत सही मिली और उसी आधार पर फिलहाल FIR के बाद माननीय न्यायालय से वारंट लिया गया और छापेमारी में अभी तक लगभग लाखों की संपत्ति के कागजात के साथ साथ कई अन्य सामान मिले हैं जिसकी जाँच की जा रही है। फिलहाल विशेष निगरानी की टीम का कहना है कि देर रात तक छापेमारी चलने की संभावना है। राहुल, चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए।